जैसे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, इनके सारे इंतजामात का जो दावे थे इंतजामात थे वो सामने आएंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क के जनूब के अंदर सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, चूँकि वहाँ टेम्परेचर डिफरेंट है हमारे इस नॉर्दर्न कराची साइड के, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान की साइड के ऊपर। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि माजी की जो उनके साथ पहले होता रहा वफाकी हुकूमत के साथ कि वो प्लान कर रहे हैं, बल्कि दीगर जमातों को भी उन्होंने दावा दी कि वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जाकर हमें इस मामले के ऊपर धरना देना चाहिए। वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है चूँकि बिजली की पैदावार और तकसीम तरसील का निज़ाम वफाकी हुकूमत के पास है। कराची के अंदर सूरत हाल बहुत गंभीर है, नहीं संभल पा रही, थोड़ा सा हम उसको पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक के दावे थे, मीटिंग्स हुई, नेपरा की टीम वहां पर पहुंची, जैसा कि हमने पहले कहा था कि ये तीसरा साल है मुसलसल नेपरा की टीम पहुंचती है, सफारशात भिजवाई जाती हैं, बताया जाता है कि पावर प्लांट्स अंडर यूटिलाइज हैं, पूरी सलाहियत पर नहीं चलाए जा रहे हैं, उनको वार्निंग दी जाती है और मामूली सा जुर्माना किया जाता है और वक्त गुजर जाता है। अभी भी वही प्रैक्टिस की गई है और वहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स पूरी सलाहियत के ऊपर बिजली पैदा नहीं कर पा रहे, गैस का एक ढंढोरा पीटा जा रहा है, अगर गैस अवेलेबल नहीं है तो वो पावर प्लांट्स फर्नस आयल पर भी चल सकते हैं, फर्नस आयल का इंतजाम करना केयर इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है और केयर इलेक्ट्रिक से फर्नस आयल के ऊपर प्लांट चलवाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत की किसी न किसी सतह के ऊपर केयर इलेक्ट्रिक को शीरबाद हासिल है, जिसकी वजह से कराची के अवाम ये लोड शेडिंग का खमियाजा भुगत रहे हैं। अब जब ये सारा मामला टेकअप हुआ है तो एक इजलास तलब किया गया वजारत वफाकी हुकूमत की जानिब से, पावर डिवीजन की जानिब से गुज़श्ता रोज एक मरासला लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक को कहा गया है कि नेपरा के ऊपर आपको ऊपर बड़े तहफुजात का इजहार किया है, नेपरा कार्रवाई की सिफारिश भी कर रहे हैं, नेपरा की सिफारिशात की रोशनी में आप फौरी तौर के ऊपर केयर इलेक्ट्रिक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास बुलाए और उनमें बैठ के मामला हल करें। वफाकी हुकूमत का रोल देखिए, क्या केयर इलेक्ट्रिक इंतजामे को यह नहीं पता कि उन्होंने क्या डिसीजन करना है? अब उनको एक बच्चे उनको समझाया गया कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास बुलाएं और मसला हल करें। उसके साथ आज इस्लामाबाद के अंदर भी एक मीटिंग तलब की गई है जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक के और नेपरा के हुकाम को भी तलब किया गया है, तो वो मीटिंग्स और कमेटी का खेल सिलसिला शुरू हो गया डंग टपाने के लिए। कंक्रीट स्टेप्स नहीं है, कंक्रीट स्टेप्स के लिए पैसे चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक लगाने को तैयार नहीं है।